रामायण के अंदर जब सीता माता का हरण हुआ था और जब रावण उसको लेके जा रहा था, तब रामायण में दिखाया जाता है कि गरुड़ जी उसकी रक्षा करने के लिए बहुत दूर तक रावण के साथ युद्ध करते हैं। और वही गरुड़ जी का आज यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से आप, मैं दूसरा भी एक सस्पेंस छोटा सा है, मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए मेरे साथ, अभी यहाँ पे थोड़ी चेकिंग हो रही है तो देखते आगे क्या होता है। ये छोटा सा मिनी ब्लॉग है। नमस्ते। नमस्ते। और अभी पायल भी हमारे साथ है। What's your name? Statue name? You can read that. Okay. ये भाई हमें बहुत, हमारी गाइड करने हमारे ड्राइवर है, बट गाइड बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे जो स्टेचू है वो मैं अभी रीड कर रहा हूँ, किसकी वजह से, ये कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं, बट हमारा हिंदू कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग तरीके से सभी लोग उसको मनाते हैं। चले देखते हैं। ओके, वाओ, भगवान कश्यप, भगवान कश्यप, ये भगवान कश्यप है, बट उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी इंडोनेशियन है, बट भगवान कश्यप हमें रामायण के पात्र में, रामायण के अंदर भी दिखते हैं। कौन? दिनता। दिनता, दिनता जी। दिनता, एक कद्रू। कद्रू, ये दिनता महारानी है, ये कद्रू महारानी, और बीच में जो है कश्यप, ओ भगवान कश्यप है, राइट। तो चलिए लेट्स गो। अभी हम प्लाजा भगवान में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री फीस में आपकी बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख की है, ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज के मुताबिक 800 से 900 रुपया समथिंग कुछ होता है, बट चले नो प्रॉब्लम। 1.5 लाख वन पर्सन, अभी हम दो लोग हैं तो 1.5 3 लाख रुपये का टिकट है। ओके, हमारी बस आ गई है हमें लेने के लिए। क्या फील कर रहे हो अभी आप? प्रोग्राम जल्दी से हमें देखने मिले तो अच्छा है, वरना 6:30 बजे बंद हो जाता है, इसलिए हम जल्दी में हैं, सो जल्दी जल्दी देख ले। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास इनका ब्रोशर भी है, न्यू आइकॉन ऑफ इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया का आइकॉन है, जैसे हम गुजरात के अंदर जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ गरुड़ा पहली बार मैं विजिट करने जा रहा हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। मेरे साथ पायल भी है, तो चलिए लेट्स गो, बने रहिए मेरे साथ, देखते आगे क्या होता है। दोस्तों वहां पे सामने आप देख सकते हो स्टेच्यू ऑफ गरुड़ भगवान का स्टेच्यू आपको दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे जो गरुड़ भगवान का स्टेच्यू, हम अंदर भी विजिट कर सकते हैं। टोटल अंदर 23 फ्लोर है, तो चलिए देखते आगे क्या होता है। Wahai engkau Sanggar, apa sebenarnya tujuanmu datang kemari? Memporak-porandakan kekayaan swarga. Katakanlah kepada dewa yang masukkan. Ya, Garuda Bhagwan eh. Wahai engkau dewa, tujuanku kemari tidak lain tidak. Aku ingin mencari Tirta Amar. Maka daripada itu, cepat beritahu di mana Tirta Amar itu berada. Jangkah tu mangkah kita Sanggar. Jika kau ingin mendapatkan Tirta. Datanglah dewa wisnu mandi diri para bidadari.
भगवान श्री राम आए। तुझको कमरे चढ़ना है इंटर डब। आपको इन मंचारी तीर्थ आमन। आकर को प्रसंगकन कपड़े बुक दिया हुए ना। आकर संग बुशरात थर में पास। वाह भाई। दोस्तों अभी गरुड़ जी राम भगवान को बता रहे हैं कि रावण ये जगह पे महारानी सीता को लेके गए हैं और गरुड़ जी का अभी वध हो चुका है। भगवान श्री राम उनको वनवास जब जाते थे उसको मिलने के लिए आए हैं। ये सब जो मैं बता रहा हूँ मैंने भी रामायण थोड़ी सी देखी है उनके बारे में बता रहा हूँ, बट नो प्रॉब्लम अभी आप ये देख सकते हो लाइव। करुण भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले और उनके बाद भगवान को बताया कि सीता जी लंका में गए हैं। यहाँ की लोक संस्कृति के मुताबिक बहुत ही अमेजिंग है। तो चले दोस्तों कोई बात नहीं, अभी हमारा नेक्स्ट विजिट हम गरुड़ भगवान का जो स्टेच्यू है वहाँ पे जा रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग।